वालेकुम अगर आप क्रिकेट की वीडियो को उठा के एडिट करके टिकटॉक पे या, या यूट्यूब पे अपलोड करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि वहाँ से अर्निंग करेंगे उन्हें मोनिटाइज करवाएंगे तो पहले आप इधर देखें ये एक चैनल आपको नजर आ रहा है ये क्रिकेट की वीडियो अपलोड कर रहा है व्यूज भी ठीक ठाक हैं सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं और ये चैनल मोनोटाइज है अब ये दूसरा चैनल देखें ये भी क्रिकेट की वीडियो अपलोड कर रहा है मिलियन में इसकी वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं और ये चैनल मोनीटाइज है लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सभी चैनल आसानी से मोनोटाइज हो जाते हैं तो ऐसा भी नहीं है ये तीसरा चैनल देखें ये भी उन्हीं लोगों की तरह क्रिकेट की वीडियो अपलोड कर रहा है लेकिन ये

कहां से लेना है फिर उसको किस तरह से एडिट करना है, की है फिर ये वीडियो मैं मसला नहीं आने वाला अगर आप इस तरह से वीडियो को एडिट करते हैं ये बिल्कुल वही स्टेप मैं करने जा रहा हूं जो चैनल मोनिटाइज हुए हैं उन लोगों ने किस तरह से एडिटिंग की है तो इसी वीडियो में सारा कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ वीडियो शुरू करते हैं ये चैनल मैंने आपको शुरू में दिखाया था इसके चार लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं क्रिकेट की वीडियो अपलोड कर रहा है अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं अगर पॉपुलर देखें तो मिलियन में इसकी वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं अब ये चैनल मोनेटाइज है अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये वही चैनल मैंने ओपन किया हुआ है आप नाम देख सकते हैं लोगो देख सकते हैं ये चैनल मोनिटाइज है कुछ इस तरह की ये चैनल अर्निंग कर रहा है अगर व्यूज़ की बात की जाए तो ये पिछले 30 दिनों के अंदर 19 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर चुका है अब ये बंदा किस तरह करके वीडियो को एडिट करता है पहले मैं आपको इसकी एक वीडियो चेक करवा देता हूँ कि ये बंदा किस तरह वीडियो को एडिट करता है वीडियो को चला के देखते हैं अब आपने इस जैसी वीडियो को कैसे एडिट करना है कि आपके चैनल भी मोनेटाइज हो आपको भी कुछ इस तरह की अर्निंग हो तो उसके लिए चलते हैं पहले एडिटिंग करते हैं पहले एडिटिंग सीखते हैं बाद में डिस्कस करेंगे कि आपने क्रिकेट की वीडियो कहां कहां से लेनी है तो मैं चलता हूं कैपकट में ये एक मैंने वीडियो सेलेक्ट किया है यह काम हलवा नहीं है कि आप आसानी से किसी भी तरीके से स्किप कर करके वीडियो को देखेंगे और एडिट करके अपलोड कर देंगे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा नहीं आपको तोज्जो देनी होगी स्किप करेंगे कोई गारंटी नहीं और इस तरह के चैनल काफी रिस्क में होते हैं आपने एडिटिंग अच्छे तरीके से समझ लेनी है सबसे पहले आपने वीडियो को सेलेक्ट करना है अब स्पीड पे क्लिक करके इसकी स्पीड को नॉर्मल पे क्लिक करके थोड़ा सा तेज कर देना है या फिर स्लो कर देना है यस पे क्लिक करना है अब मैं आपको यह के दिखाता हूं oh, अब आपने सुना कि इसके पीछे कम्यूटरी की आवाज आ रही है वो आवाज नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए आपने फिर इसको सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा इधर आना है और इधर आपको इंसोलेट वॉइस का ऑप्शन नजर आ रहा है यहां पे क्लिक करेंगे रिमूव वोकल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर से गले वाली आवाज़ जो है वो रिमूव हो जाएगी बाकी ऑडियंस का शोर है वो भी सुनाई देगा क्रिकेट का शोर है वो भी सुनाई देगा आपको लेकिन जो कमेंट्री हो रही है ना पीछे से वो रिमूव हो जाएगी और आपने इसको लाजमी रिमूव कर लेना है रिमूव वोकल कंप्लीट हो चुका है यस पे क्लिक करते हैं अब मैं आपको चला के सुनाता हूँ देखें इसके पीछे से बाकी सारे साउंड आ रहे हैं लेकिन वोकल कम्युनिटी नहीं आ रही ये दूसरा हमारा स्टेप हो चुका है अब तीसरे स्टेप में आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना बैक आ जाना है और थोड़ा सा इधर आना है अक्सर रेशो आपने यहाँ पे क्लिक करना है टिकटॉक पे क्लिक कर देना है अगर आप YouTube के लिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं या Instagram रील बना रहे हैं Facebook रील बना रहे हैं या फिर टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हैं आपने यही ही सेलेक्ट करनी है और यस yes पे क्लिक कर देना है अब ये हमारे तीन स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं अब चौथे स्टेप में आपने वीडियो को सेलेक्ट करना है और इस वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देना है इस तरह करके ये एक बार में आप लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते जो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं ना क्रिकेट चैनल वो वीडियो नहीं लगाते वो हाइलाइट्स देते हैं न्यूज़ देते हैं या तबसरा करते हैं लेकिन अगर आपने वीडियो को उठा के एडिट करके अपलोड करना है तो आप लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते मैं आपको कोई सबज बाग नहीं दिखाना चाह रहा अब चौथे स्टेप में आपने कट लगाने हैं तो उसके लिए आगे चलते हैं आपने कट यहां पे लगाना है जब बॉलर गेंद फेंक रहा है शुरू वाला सीन आपने नहीं दिखाना कि बॉलर ने गेंद पकड़ी वो भाग के आ रहा है इतना हिस्सा नहीं दिखाना ज्यादा टाइम नहीं लगाना जैसे ही बॉलर गेंद फेंक रहा है बस आपने तब इसको सेलेक्ट करना है और पहले वाले हिस्से को सप्लिट करके डिलीट कर देना है अब आपने चला के देखना है बॉलर ने गेंद फेंकी गेंद बल्ले पर लगी या विकेट में लगी बस फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है सप्लिट पर क्लिक करके आगे आ जाना है और आगे वाला सीन भी आपने इसी तरह लेना है यानी कि तीन से चार सेकंड से बड़ा क्लिप एक साथ में आपने नहीं लेना अब अगला क्लिप आप यहाँ पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ पर बॉलर गेंद फेंक रहा है और ये छाड़ लगी गेंद गई हवा में बस यहाँ तक आगे वाला सीन भी आपने नहीं रखना और दरमियान वाला ये जो था अजाफी आपने इसको डिलीट कर देना है अब ये देखें ये बॉलर एक साइड पे हो चुका है तो आपने इसको सेलेक्ट करके इस तरह करके आपने ऐसे कर लेना है इसी तरह करके पूरी वीडियो के अंदर से आपने ये शार्ट हैं या आउट हैं आपने ये क्लिप ले लेने हैं उसके बाद इस वीडियो को अभी सेव कर लेना है अभी तो हमने सिर्फ बेसिक काम किया है एडवांस काम तो अभी हमने करना है तो आपने अभी ये नहीं सोचना कि वीडियो पूरी हो गई चलो भाई हमारा काम हो गया भाई ऐसा करेंगे तो कापी आ सकता है एडवांस काम करना है वीडियो को करते हैं सेव यहाँ पर एक ज़रूरी बात जो मैं भूल गया था अब इसने गेंद फेंकी ये देखें गेंद जैसे ही गई गेंद जैसे ही विकेट को टच करती है या बैट को टच करती है तब एक साउंड इफेक्ट आना चाहिए तो आपने यूट्यूब में चले जाना है और वहाँ पे लिखना है जिस तरह का आपने साउंड इफेक्ट लेना है जैसे कि विकट आउट साउंड इफेक्ट या फिर सिक्सर साउंड इफेक्ट इस तरह का आपने लिख के सर्च करके वहाँ से एक को डाउनलोड कर लेना है अगर आप वीडियो की शक्ल में डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए आपने ऑडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिकॉर्ड के साथ एक्सट्रैक्ट ऑप्शन नजर आता है आपने यहाँ पर क्लिक करके साउंड को सिलेक्ट कर लेना है अब इससे अजाफी हिस्सा आपने डिलीट कर देना है ये तो आप जानते हैं सेलेक्ट करेंगे डिलीट कर देंगे इसको भी सिलेक्ट करेंगे स्प्लिट करेंगे डिलीट कर देंगे अब इसको पकड़ के आएंगे इस तरफ ये देखें जैसे ही गेंद देखें विकेट से टच हो रही है तभी ये साउंड आना चाहिए इस साउंड का आपने बड़ा ख्याल रखना है ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए और इसी तरह करके आपने जितने भी आउट हैं या विकेट है सभी पे आपने इसी तरह करके साउंड को लगा लेना है अब आपने बैक आ जाना है थोड़ा सा इधर आएंगे तो इधर आपको एडजस्ट का ऑप्शन नजर आता है अब हमारा यहाँ पे काम होता है थोड़ा सा एडवांस वाला आपने इधर आना है ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी आपने ग्राफिक में आ जाना है और यहाँ पे जो अप है उसको डाउन कर देना है और जो डाउन है उसको अप कर देना है यानी कि इसको पकड़ के इधर ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको पकड़ के नीचे रेड को सिलाइट करेंगे इसे डाउन इसे अप ग्रीन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से डाउन यहाँ से अप बिलू सेलेक्ट करेंगे डाउन अप अब ये एक बार बिल्कुल खराब हो गया आप कहेंगे ये तो वीडियो ही खराब होगी लेकिन मैं इसको सही करके दिखाऊंगा बिल्कुल सेम वैसे ही वीडियो बनेगी आप बेफिक्र हो बेफिक्रे यहां पे क्लिक करके बैक आते हैं अब आपने इधर आना है और इधर आपको इफेक्ट का ऑप्शन नजर आता है इफेक्ट पे क्लिक करेंगे वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे ये ट्रेंडिंग सेलेक्ट है थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पे आपको ब्लर का ऑप्शन नजर आता है आपने ब्लर पे क्लिक कर देना है यस पे क्लिक कर देना है और इसको पकड़ के जितनी आपकी वीडियो है उस हिसाब से आपने ले जाना है यस पे क्लिक कर देना है अब आपने इसको फिर एक बार सेव कर लेना है दोबारा फिर दूसरे वाली वीडियो जो आपने पहले जिस पे कोई भी आपने इफेक्ट वगैरह कलर वगैरह नहीं किया था आपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है ये मैंने पहले वाली वीडियो सेलेक्ट कर ली अब आपने दूसरी वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसके आपने अभी ग्राफिक जो है वो चेंज किए हैं तो उसके लिए बैग चलते हैं ओवरले पे क्लिक करेंगे ये मैंने वो वीडियो सेलेक्ट कर ली अब इस वीडियो को फिंगर की मदद से आपने एडजस्ट करके दोनों को बिल्कुल बराबर कर देना है ये देखें आगे पीछे नो अब आपने यहाँ पर क्लिक करके इधर आना है और इधर आपको बर्न का ऑप्शन नजर आता है यहाँ पर क्लिक करेंगे इसको मैं तकरीबन 65 तक करता हूँ आप 80 तक कर सकते हैं आपकी मर्जी यस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं बराबर है जी ये बराबर है अब इस पे आपने फिर एक इफेक्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए बैक चले जाना है आना है इफ़ेक्ट में वीडियो इफेक्ट में आते हैं और यहाँ पे लेंस सेलेक्ट है ये देखें अगर कोई और सेलेक्ट है ना तो आपने पहले लेंस को सिलेक्ट कर लेना है और थोड़ा नीचे आ जाना है और मैं तो ये सिलेक्ट करने वाला हूँ एफ पी एस लेग आप कोई और सिलेक्ट कर सकते हैं ये फ़र्ज़ नहीं है कि आपने यही सिलेक्ट करना है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अब ये देखें ये कितना ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे दोबारा और इसको कर देंगे हम कम अब चलते हैं बैक यस पे क्लिक करते हैं और इसको फुल वीडियो पे कर देते हैं जितनी लंबी आपकी वीडियो है अब ये हमारी वीडियो तकरीबन बन चुकी है बल्कि पूरी वीडियो बन चुकी है अब आपने इस तरह की वीडियो लेनी कहाँ से है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं जो पाकिस्तान के नेशनल चैनल हैं जो क्रिकेट की वीडियो अपलोड कर रहे हैं असल में क्रिकेट के ही चैनल हैं आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ से वीडियो ले सकते हैं इसके अलावा इंडिया के हैं बांग्लादेश के हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं या जिस कंट्री की क्रिकेट टीम है आप उनके चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ से क्रिकेट की वीडियो को ले सकते हैं इसके अलावा तमाशा ऐप से ले सकते हैं या फिर आपको जहाँ से भी क्रिकेट के मैच मिल जाते हैं आपने वहाँ से ले लेना है लेकिन एडिटिंग करते हुए आपने ख्याल रखना है अब इसके पीछे कुछ लोग जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लेते हैं भाई म्यूज़िक वगैरह हराम है लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं ना मैं इस्तेमाल करता हूँ और ना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब फॉलो शेयर आपने कर देना है तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़